और कौरवों के पास समझाने के लिए पहुंचे। दुर्योधन को पता लगा हमारे यहां कृष्ण आ रहे हैं, बड़े राज्य के सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, जगह जगह धुंधवी बजवाई, जगह जगह खाने पीने के इंतजाम कराए, बहुत बड़ा पांडाल बनवाया, सभा लगी हुई है। दुर्योधन के मंत्री थे विदुर जी महाराज, वो भी बड़े सत्यवादी थे, धर्मचित बात कहते थे, अच्छी बात कहते थे। और अच्छी बात कभी कभी क्या होता है, सामने वाले को कड़वी लग जाती है, बुरा लग जाती है। तो दुर्योधन से कहा विदुर जी ने कि दुर्योधन आप अधर्म कर रहे हैं, और देखिए अधर्म ज्यादा दिन चलता नहीं है, कहावत है हमारे ब्रज में, भूत विद्या मल रही और 12 वर्ष चल रही है, यानी भूत विद्या झूठ पाखंड इनकी आयु 12 वर्ष है। कितना भी कोई बड़ा पहलवान क्यों ना हो जाए, 12 वर्ष के बाद उसकी ढलने लगती है जवानी, झूठ पाखंड परेव एरा फेरी, 12 वर्ष से ज्यादा इसकी आयु नहीं है कि आप अनीति कर रहे हैं। अनीति की आयु है 12 वर्ष, और नीति की आयु बहुत आगे तक है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। और आप पांडवों को भूमि को आधा हिस्सा दे दो। दुर्योधन ने कहा पाखंडी, जिस हाड़ी में खाता है उसी में कितना बड़ा, जिस हाड़ी में खाता है उसी में छेद करता है, भाग जाए यहां से, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे, नौकरी हमारे यहां करता है, पांडवों के गुण गाता है, भाग जाए यहां से, चला गया। जब विदुर जी को पता लगी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, वैसे तो दुर्योधन ने अपमानित करके भगा दिया, परंतु फिर भी प्रभु आ रहे हैं, और देखिए प्रभु तो सबके हैं, अब यहां परमात्मा आए हैं, वृंदावन से आए हैं, श्रीमद भागवत महापुराण की कथा हो रही है। अब यहां ये नहीं कि तो जी उन मंदिर वालों का है, उस संस्था का है, हमसे तो बोला ही नहीं, गली में तो किसी से बोला ही नहीं, अपने अपनों को बोल दिया है, हैं? हमको तो किसी को बताया ही नहीं है, यहां बताने की जरूरत नहीं है, किसी के बेटा की शादी नहीं है, किसी का कोई अपना फंक्शन नहीं है, ये हर आत्मा का फंक्शन है, ये हर जीव का उत्सव है, ये भक्ति का प्रचार है, ये यहां से भक्ति जागृत होती है, यहां से धर्म जागृत होता है, यहां से आनंद की प्राप्ति होती है, ये सबका है, ये किसी एक का नहीं। और ऐसे धर्म आयोजनों से ही हमारा धर्म मजबूत होता है, हमारा धर्म दृढ़ होता है, धर्म आगे बढ़ता है, और हम सबको मिलकर ऐसे आयोजनों में तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। चाहे आप कोई कीर्तन मंडली वाले हों, कोई भी संस्था वाले हों, कोई भी मंदिर वाले हों, एक दूसरे को मिलकर ऐसे धर्म के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि धर्म सिखाता है जोड़ना तोड़ना नहीं। धर्म कहता है सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर चुपान, पूरा संसारी तो अपना परिवार है। मुनि सुखदेव जी सूत जी महाराज कहते हैं राजन, उसके उपरांत जैसे ही विदुर जी को पता लगे कि भगवान आ रहे हैं और भगवान के दर्शन तो जरूर करेंगे, क्योंकि दर्शनों से कल्याण होता है, दरस परस मुखमंजन पाना, कटे हूं पाप के भेद पुराना, भगवान के दर्शन दूर से भी हो जाएं, दूर से भी हम नमन करते हैं, उसका अनंत गुना पुण्य मिलता है, भगवान को स्पर्श करते हैं, भगवान की कथा सुने, भगवान की वाणी मिल जाए तो जीवन निहाल हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है, हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हम जो ये कथा सुन रहे हैं इसका सीधा असर हमारे पितरों पर जाता है, उनको वहां पर बैकुंठ में जहां भी होते हैं, जिस लोक में होते हैं, उनको भगवान के समान सम्मान होता है कि तुम्हारी संतान तुम्हारे वंशज धर्म के कार्य कर रहे हैं, धर्म की कथाएं सुन रहे हैं, उनका सम्मान होता है। और जब यहां हम पाप अधर्म अत्याचार करते हैं, हमारे पूर्वजों को वहां सताया जाता है, गरम गरम लोहे की छड़ों से वहां पर दागा जाता है, इसलिए वंशवृद्धि होती है। और शास्त्रों में वंशवृद्धि का सीधा अर्थ है पूर्वजों की मुक्ति के लिए संतान की उत्पत्ति करना। किसी कारण हमारे माता पिता पूर्वज अधोगति में चले जाएं, प्रेतियोनि में चले जाएं, उनके लिए हम पिंडदान करें, उनके लिए हम गायत्री जाप करें, उनके लिए भागवत कथा करें, उनके लिए कोई मंदिर धर्मशाला उनके नाम से बनवाएं, उनको खुशी होती है। शास्त्रों में इसलिए संतान की उत्पत्ति की जाती है।
जैसे ही मित्र जी को पता लगी प्रभु आ रहे हैं, दर्शन करूंगा, वाणी सुनूंगा, जीवन निहाल हो जाएगा, अब तक तो मैंने दूर से ही सुना था, अब मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनकी साक्षात वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, सभा में पीछे आकर बैठ गए। क्योंकि जब मंत्री होते तो ऊपर बैठते, सामने बैठते, कोई बात नहीं मुझे निकाल दिया तो मैं पीछे से सुन सकता हूं, पीछे तो कोई मना नहीं करेगा। भगवान का भव्य स्वागत किया दुर्योधन ने, और दुर्योधन ने पूछा, भैया ये तो हमको पता लगी आप आ रहे हैं उल्टा सीधा, जैसे ही हमने स्वागत की तैयारी हुई हमने की, पर हमें ये नहीं पता आपका आने का प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है, किस काम के लिए आप आए। भगवान ने कहा, भैया कुछ ना कुछ मैं भी मन में इच्छा लेकर आया हूं कि आप प्रकट करें। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया दुर्योधन आप ये बताओ कि जो पांडव हैं ये तुम्हारे काका के बेटा हैं या नहीं, चाचा के बेटा हैं या नहीं। कि हाँ हमारे चाचा के बेटा हैं। तो बताओ नियम से आधे राज्य के हिस्सेदार हैं या नहीं। कि हाँ नियम से तो आधे राज्य के हिस्सेदार भी हैं, अद्वितीय हैं। भैया दुर्योधन मैं आपसे आधा राज्य दिलाने नहीं आया। कन्हैया जी बोले, मैं तो केवल आपको 5 गांव दिलाने आया हूं, 5 गांव इनको दे दो इनका हिस्सा। और जो तुम्हारे अंदर द्वेष बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बनी हुई है, जो अपना दिमाग तुम्हें प्रोग्रेस पे लगाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहिए, उन्नति के लिए लगाना चाहिए, कमाई में लगाना चाहिए, उस दिमाग को आप लड़ाई में लगा रहे हैं। ये अच्छे लोगों की पहचान है नहीं, ये तो बहुत छोटे लोगों की पहचान होती है जो दूसरे की टांग खींचते हैं। अच्छे लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे को बढ़ने का मौका देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। दुर्योधन बोला, कृष्ण आप ठहरे हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, और ये हमारे भाई बहन की लड़ाई है, और तुम बीच में पंगा क्यों लेते हैं। 5 गांव तो बहुत हैं, सुई के छिंद के समान भी, सुई की नोक के समान भी मैं पांडवों को भूमि नहीं दे सकता। बिना युद्ध किए अगर उनकी औकात है तो हमसे मुकाबला करें, और तुम क्यों इसमें पंगा लेते हैं, फंडा करते हैं बीच में। और जाओ आपकी भाभी भानुमती ने 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं, ऐसे ऐसे व्यंजन, ऐसे ऐसे पकवान बनाए हैं, तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, चखे भी नहीं होंगे, नाम भी नहीं जानते होंगे। भगवान हंसे मुस्कुराए कि अभिमान में कितना पागल हो रहा है, इसे यही नहीं पता कि इनको बनाने वाला कौन है, इनको देने वाला कौन है। भगवान हंसकर बात को ले गए, हाँ भैया मैं नहीं खाया होगा, नहीं चखा होगा, नहीं देखे होंगे, नहीं मैंने नाम सुने होंगे, परंतु मैं खाना खाऊं तो खाऊं कैसे, खाने की भी 3 अवस्था होती है। जब ज्यादा भूख सताती है, जब ज्यादा भूख लगती है ना जी, हाँ फिर तो रूह का सूखा गर्म ठंडा कैसा भी हो गपर सफर खाने की लगती है। या प्रेम अधिक हो, कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, कहीं भी जाएं कोई ज्यादा जबरदस्ती करने लगे, नहीं जी जो भी है खाना ही पड़ेगा, कैसे भी खाओ, हमने तो देखो इतना बनाया है, इतना तैयार किया है, चाहे 1 बजे आओ चाहे 2 बजे आओ, रात में ही खाना पड़ेगा जी। हाँ रात भी हमने 2 बजे खाना खाया था कि नहीं जी खाना ही है, हम कहते हम नहीं खाते हैं जी, कि जी हमने तो देखो पनीर भी बनाई है, ये भी बनाया, वो भी बनाया, वो भी बनाया, 8 सब्जी बनाई है। प्रेम के वसी, और एक होता है डर कि हम इनकी शादी में नहीं गए, हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा ये काम रोक देंगे, हमारा वो काम रोक देंगे, हमारा रास्ता रोक देंगे, हमारा, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए। तो भैया दुर्योधन ना तो मुझे भूख जो तेरे यहां भोजन करूं, ना तेरे अंदर कहीं प्रेम झलक रहा जो तेरे प्रेम के वसी हुए भोजन करूं, और भैया दुर्योधन ना मुझे तेरा डर जो तेरे डर के कारण भोजन करूं, और भोजन करूं भी तो करूं कैसे, मैं तो आज काका बिदुर के यहां न्योत्य हूं, आज तो मेरा निमंत्रण काका बिदुर के यहां है, उन्होंने निमंत्रण दे रखा है। बिदुर जी पीछे बैठे थे, ये कह रहे कन्हैया जी कैसे कैसे भगवान झूठ बोल रहे हैं सभा में सबके सामने, मैं तो पहली बार आज देख रहा हूं, और ये कह रहे हैं मुझे निमंत्रण दिया है, और कहीं ऐसा ना हो जो कह सकता है वो कर भी सकता है, मेरे घर नहीं आ जाए, ये तो पता है कि खाते क्या है, मक्खन शक्कर मलाई सलाई लड्डू सड्डू ये ज्यादा खाते हैं, बर्फी सर्फी, भागे दौड़े दौड़े गोल मार्केट के पास जाकर, हाँ खाने की कोई व्यवस्था की उनकी। और भगवान सभा को त्याग कर विदुर की झोंपड़ी पर पहुंच गए, कुटी पर पहुंच गए। काकी उस समय निवस्त्र स्नान कर रही थीं, पहले बताते थे कि 80-80 गज के
सौ सौ गज के लहंगा होते थे जी, राधे राधे, सर्दियों में एक दिन जब भीग जाए तो एक महीना तक तो सूखते भी नहीं थे वो। तो काकी निवस्त्र स्नान कर रही थी, भगवान ने कुंदी बजाई, काकी काकी कौन, कि मैं तेरा बेटा हूं, तेरा लाल हूं, गोविंद कृष्ण नंदलाल, कृष्ण गोविंद नंदलाल आए, श्याम आए मधुसूदन, मुरारी घनश्याम चित चोर आए, इतने भाव बेहोर हो गई, तन मन की सुध छोड़कर भूल कर तुरंत कुंदी को खोल दिया। भगवान ने अपनी काली कमर काकी के ऊपर डाल दी, पटला चौकी बिछाई, उल्टी बिछा दी, भगवान प्रेम से उस पर बैठ गए। काकी इतनी भाव बेहोर हो गई, क्या लाऊं क्या खिलाऊं कैसे करूं, बेटा तुम्हारे काका बाजार गए हैं, कुछ मलाई सलाई लड्डू सड्डू लाते होंगे, थोड़ा इंतजार करो। भगवान बोले, काकी काकी सही में हमें तो बहुत भूख लग रही है, कुछ तो घर में पढ़ाई होगा रखा होगा, कि केले जरूर रखे हैं, केले के टोकरे को उठाकर लाएं, कि यहाँ काकी कोई बात नहीं, मुझे केला ही दे दो, केला ही खा लूंगे, बहुत भूख लग रही है, सही में भूख के कारण दर्द मार रहा पेट में भी, कि अपने हाथों से अपने कृष्ण को, गोविंद को, नंदलाल को खिलाऊंगी। केले के फल लेती हैं, फल को नीचे डाल देती हैं, छिलका को प्रभु को भोग लगा देती हैं, बड़े प्रेम से मेरे परमात्मा खा रहे हैं, दो छिलके खिला दिए, तीन छिलके खिला दिए, चार खिला दिए, और परमात्मा प्रेम से छिलकों को खा रहे हैं, दस बारह पंद्रह खिला दिए। इतने में विदुर जी आए, विदुरानी विदुरानी, गौ के गोबर से आंगन को लीपो, चौका लगाओ, सखियों को बुलाओ, मंगल गीत गवाओ, फूलों की माला बनाओ, और आरती उतारनी है, कृष्ण आ रहे हैं, स्वागत करना है। क्यों सुर मचा रहे हैं, लाला तो भूख लग रही है, आराम से करते रहना स्वागत, मैं तो केला खिला रही हूँ। विदुर जी ने जैसे यहाँ कर देखा है, फल तो पड़े हुए हैं पर छिलके कहीं नहीं दिखाई दे रहे, विदुरानी विदुरानी केले खिला रही हैं, केले के छिलके खिला रही हैं। जैसे ही विदुरानी का ध्यान गया, छिलके कहीं उसे भी दिखाई नहीं दे रहे, प्रभु रोने लगी, मेरे पर बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पहली बार मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे नंदलाल, मेरे श्याम, मेरे चित्त चोर त्रिलोकी के नाथ मेरी कुटी पर, मेरे आंगन में पधारे, और पहली बार मैंने इतना अपमान कर दिया, बेटा मुझे क्षमा करना। भगवान ने अश्रुपात होने लगा, हृदय से लगा लिया, काकी चाची जितना आनंद तेरे इन छिलकों में आया सत्य माने ना, उतना आनंद माँ यशोदा के माखन मिश्री में भी नहीं आया। एक बार आया था त्रेता युग में, जब मैंने राम रूप धारण किया, जो सबरी ने बिलिनी ने जो झूठे बेर खिलाए थे, या तो उनके बेरों में आया और या आज तेरे छिलकों में आया। काकी मैं नहीं देखता कि मुझे कौन क्या खिला रहा है, मैं नहीं देखता मुझे कौन क्या चढ़ा रहा है, मैं नहीं देखता मुझे कौन कैसा कैसे बुला रहा है, मैं तो यही देखता हूं कि उसके अंदर श्रद्धा क्या है, प्रेम क्या है, उसका भाव क्या है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिने तैसी। तुम भगवान सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान को भाव से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये परमात्मा की असीम कृपा है हम तुम पर, और जो करोड़ों माता बहन हमारे एहसास चैनल, साधना चैनल के माध्यम से घर घर में इस परमात्मा नाम के आनंद को ले रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। समय पर आप आइए, और जिस देश के कोने कोने से भी, अगर मंडी डब्बाली सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हमारे बाबा के इस महापांडाल में काली मंदिर में आना चाहते हैं, तो यहाँ रहने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था है। हेलो, आप आ भी सकते हैं, ठीक है। और हमारे गर्ग जी दो शब्द कुछ कह रहे हैं, उसके बाद एक भजन होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारे बीच हरबंस लाल जी बद्दर गोटाजरी भंडा वाले यहाँ पहुंचे हैं, मेरी प्रार्थना है कृपया वो मंच पे आए और महाराज श्री को माल्य अर्पण करें। श्रीमान वेद प्रकाश जी हमारे भाई साहब अकाउंटेंट साहब, उनसे भी प्रार्थना है कृपया वे मंच। एहसास टीवी के कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर। वीडियोकॉन D2H के लिए 484 नंबर पर देख सकते हैं, सिटी पे 88 नंबर पर, हैथवे पे 827 नंबर पर, डेन पे 863 नंबर पर, और फास्टवे के 415 नंबर पर अब आप अपना एहसास टीवी चैनल देख सकते हैं।